morning. Today is Saturday. Saturday is our activity day. आज मैं आपको ड्रॉइंग पढ़ाती हूँ. I am going to teach you draw a picture of flower. आज मैं आपको फ्लावर पढ़ाती हूँ. फ्लावर कैसे ड्रॉ करते हैं? बहुत ही सिंपल है बेटा. फ्लावर निकालना है, देखो छोटा सा सर्कल करेंगे और ये फ्लावर को जैसे पेटल्स निकाल देंगे छोटे छोटे. आप गोल भी बना सकते हैं इसको और ऐसे ओवल शेप में भी आप बना सकते हैं इस तरह से, है ना. और आप ये फ्लावर को लीफ भी बना सकते हैं नीचे. ये लीफ है, ऐसे दो लीफ आप बनाएंगे और फ्लावर आज ड्रॉ करेंगे. छोटा सा सर्कल निकालना है और ऐसे ओवल शेप, आपको पता ही नहीं बेटा ऐसा ओवल शेप होता है. ये ओवल शेप के आप पेटल्स जैसे बनाएंगे फ्लावर्स के लिए और आप लीफ बनाएंगे. ओके, लीफ को भी बहुत इजी है, सिर्फ हमें स्लैंट लाइन करनी है ऐसे और अनदर स्लैंट लाइन जॉइन करना है. तो इस तरह से आप फ्लावर निकालेंगे. ओके स्टूडेंट्स, और ये है हमारी आज की शीट, वर्कशीट नंबर 7, प्रैक्टिस राइटिंग लोअर केस लेटर्स. डू यू वांट टू लर्न अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, लोअर केस अल्फाबेट्स ए टू जेड विद मी टुडे? ओके, लेट्स लर्न स्मॉल ए. आपको ये लेटर यहाँ पे कॉपी करना है, देख देख के उनका प्रैक्टिस करना है. प्रैक्टिस राइटिंग ईच लेटर ऑन लाइन प्रोवाइडेड. यहाँ पे जो लाइन दी है उसको आप यहाँ देख देख के लेटर लिखेंगे. ए स्मॉल ए, बी सी, डी ई एफ, जी एच आर, जे के एल, एम एन ओ, पी क्यू आर, एस टी यू, वी डब्ल्यू एक्स, वाई जेड. इस तरह आप लोअर केस लेटर्स का आज प्रैक्टिस करेंगे और उसको लर्न करेंगे. और ये जो लोअर केस लेटर्स है बेटा, आप अपने इंग्लिश की नोटबुक में भी लिखेंगे प्रैक्टिस के लिए, आपका रिविजन हो जाएगा. ओके, और यहाँ देखो ये काउंट एंड राइट. यहाँ ऑब्जेक्ट्स आपको काउंट करना है और करेक्ट नंबर बॉक्स में लिखना है. ये स्टार्स, ट्रायंगल्स, एरो, सन, ये हार्ट शेप है, स्माइल, बनाना, ये जो सारे शेप्स को आपको यहाँ पे काउंट करना है और करेक्ट नंबर देना है. 1 2 3 4, यहाँ 4, 1 2 3, यहाँ 3, 1 2 3 4, 1 2 1 2 3, 1 2 3 4 5. इस तरह से आप ऑब्जेक्ट्स काउंट करेंगे और नंबर देंगे. ओके, और यहाँ सर्कल द मैचिंग लोअर केस लेटर. यहाँ ये अपर केस लेटर दिए हैं वन साइड में और सेकेंड साइड में आपको लोअर केस लेटर दिया है. तो आप अपर केस के साथ लोअर केस लेटर आप मैच करेंगे, उसको सर्कल करेंगे. ए है स्मॉल ए, बी स्मॉल बी, सी स्मॉल सी, डी स्मॉल डी, ई स्मॉल ई, एफ स्मॉल एफ, जी स्मॉल जी, एच स्मॉल एच. इस तरह बेटा आपको ये वर्कशीट सॉल्व करनी है. और मैं आपको मैथ आज 2 का टेबल पढ़ाने वाली हूँ, टेबल ऑफ 2. टेबल ऑफ 2, आज हम टेबल ऑफ 2 लर्न करते हैं. आई एम टीच यू इजी वे टू टीच टेबल काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 2. सबसे पहले मैं आपको ये देखो यहाँ करते हैं, हम सेम सेम नंबर ऐड करके कर सकते हैं. 1 1 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 plus 9 and 10 plus 10. देखो 1 और 1 2, 2 और 2 4, 3 और 3
16, 9 plus 9, 18, and 10 plus 10, 20. ये है हमारा 2 का टेबल। अभी इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखते हैं। मल्टीप्लिकेशन टेबल बहुत इजी होता है बेटा। देखो यहाँ हमें 2 का टेबल करना है, इसलिए हम यहाँ पे 2 2 10 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब 10 टाइम्स हम 2 करेंगे। और फिर ये है मल्टीप्लिकेशन, इसको मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। और फिर हमें 1 to 10 तक करना है। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 10। ओके, अभी 2 1 2 क्या होता है, 2 2 2 क्या, 2 2 2 क्या होता है, वो सब अभी हम उसके आगे लिखते हैं। ओके, ये मेथड है हमारे मल्टीप्लिकेशन टेबल की। ये आपको सबसे पहले आपको ये ध्यान से देखना होगा। ओके स्टूडेंट्स, 10 टाइम्स आप लोग करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन आएगा, फिर 1 to 10 नंबर्स। 2 1 2। अभी हम 2 के टेबल में क्या करते हैं बेटा, 2 2 नंबर फॉरवर्ड करते हैं। अभी 2 1 2 हो गए ना, अभी 2 के बाद 2 2 नंबर हम फॉरवर्ड करेंगे। 2 के बाद 2 नंबर फॉरवर्ड किए तो 3 4 4 होते हैं ना, इसीलिए 2 2 4। अभी 4 के आगे 2 नंबर फॉरवर्ड करेंगे हम। 5 6 2 3 6। अभी 6 के बाद 2 नंबर फॉरवर्ड करेंगे। 7 8 8। उसके बाद 10 के बाद 2 नंबर फॉरवर्ड करेंगे। 8 के बाद 9 10। फिर 10 के बाद 2 नंबर फॉरवर्ड करेंगे। 11 12। ऐसे फिंगर काउंट करके भी आप कर सकते हैं। और 12 के बाद 2 नंबर फॉरवर्ड किए। 13 14। और 14 के बाद 15 16। 16 के बाद 17 18। और फिर 18 के बाद 19 एंड 20। ऐसे 2 2 नंबर हम फॉरवर्ड करके भी 2 का टेबल कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, वन सेकेंड आई रिपीट। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 and 2 10 20। ओके स्टूडेंट्स, डू यू अंडरस्टैंड? तो बेटा आप इस तरह से आज 2 का टेबल अपने मैथ की नोटबुक में करेंगे और उसे लर्न भी करेंगे। अंडरस्टूड? बाय।